नमस्कार, एमपी न्यूज के खास प्रोग्राम न्यूज रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज रूम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की और कांग्रेस की। कांग्रेस ने एक टैगलाइन दी है, मैं शपथ लेता हूं। देखिए, प्रदेश में होने वाले मध्य प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को अपनों के जो बागी हैं उनका डर सताने लगा है और इस बार पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष रोकने के लिए लिखित सहमति का रास्ता निकाला है। अब कांग्रेस पार्टी ने वार्ड पार्षद के लिए दावेदारी जताने वाले कार्यकर्ताओं से शपथ पत्र लेना शुरू कर दिया है। पार्टी के वार्ड बार की जो बैठकें हो रही है उसमें भी वरिष्ठ जो नेता है वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर किसी योग्य व्यक्ति को एक वार्ड से खड़ा कर दिया जाता है तो आप उसके सामने निर्दलीय नहीं खड़े होंगे, साफ कहा गया है। और इसी को लेकर एक शपथ पत्र जो है वो अब कांग्रेसियों से भरवाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि बाकायदा इसके लिए एक फॉर्मेट जो है वो भी तैयार किया गया है और पार्टी की जिला बैठक में दावेदारों से फॉर्मेट की जानकारी जो है वो भी उनको दी जा रही है। इसके साथ ही शपथ पत्र भी यहाँ पर भरवाया जा रहा है। कांग्रेस के भोपाल जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा का ये कहना है कि निकाय चुनाव के दौरान पार्टी के आंतरिक खतरे यानी कि असंतोष को रोकने के लिए इस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पार्टी चाहती है कि एक पद एक व्यक्ति का फॉर्मूला जो है अब वो अपनाया जा रहा है और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि अगर योग्य व्यक्ति है तो उसे हम टिकट दे देंगे, उसे उम्मीदवार बना देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसी के सामने दूसरा जो व्यक्ति है वो निर्दलीय खड़ा हो जाए। कांग्रेस पार्टी में शुरू से ही अंतर्कलह की बातें सामने आती रही है, कभी भी वो बातें किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस में अंतर्कलह होती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेसियों से अब शपथ पत्र जो है वह भरवाए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भोपाल की दौड़ की। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव के ऐलान के साथ ही टिकट के दावेदारों की भोपाल में जो दौड़ है वो भी शुरू हो चुकी है। भोपाल दौड़ लगाना शुरू कर दी है लोगों ने। बीजेपी में टिकट की आस लगाए नेता प्रदेश मुख्यालय में आमद दे रहे हैं। आज सिंगरौली से करीब आधा दर्जन दावेदार बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। ये सभी मेयर और पार्षद पद के लिए टिकट की दावेदारी जो है वो कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड हादसे की वजह से उनकी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से अभी फिलहाल में मुलाकात नहीं हो पाई है और उन्हें यूं ही लौटना पड़ा। दावेदारों को टिकट की आस इस बार इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि पार्टी एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के आधार पर इस बार टिकट बांटने को तैयार है और ऐसे में मौजूदा विधायक और सांसदों को टिकट मिलने की उम्मीद यहाँ पर कम ही नज़र आ रही है और यही वजह है कि नगर निगम में मेयर पद के लिए ज़िलों में सक्रिय कार्यकर्ता भी दावेदारी के लिए अब जो है दम भर रहे हैं और इसी के लिए जो भोपाल की दौड़ है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। हम आपको बता दें कि पिछले समय में नड्डा आए थे और उन्होंने कई सारी बातें जो है वो क्लियर की है। क्या कुछ उन्होंने क्लियर किया है वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, हाल ही में भोपाल और जबलपुर दौरे पर जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने कहा था कि टिकट क्राइटेरिया को लेकर एक सवाल उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि टिकट में परिवारवाद पर पूरी तरह से इस बार ब्रेक रहने वाला है, सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को ही यहां पर तरजीह दी जाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जबलपुर में हुई कोर ग्रुप की बैठक में भी नड्डा ने प्रमुख नेताओं को एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले की ताकीद यहां पर कर दी है और इसी फॉर्मूले को अब अपनाया जाएगा। एक व्यक्ति एक पद, इसी फॉर्मूले को अपनाया जाएगा और सेम चीज़ कांग्रेस में भी चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं हम आधार कार्ड की। बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये होता है। देखिए, यदि आपने अभी तक आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आप जल्द ही करवा लीजिए वरना आपको जुर्माना जो है वो भुगतना पड़ सकता है। पैन को आपके आधार से लिंक किए बिना सक्रिय रखने की समय सीमा जो है वो 31 मार्च 2023 तक अब बढ़ा दी गई है। इसके पहले 2022 तक थी, अप्रैल के 2022 तक, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है, 31 मार्च 2023 से कर दिया गया है। अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने पर 1 अप्रैल 2022 से आपको पेनल्टी के पैसे जो है वो खर्च करने होंगे। हम आपको बता दें कि अब इसके 30 जून के बाद आपको 500 और 1 जुलाई के बाद 1000 का जुर्माना लगेगा। यानी कि अगर आपने अभी आपका आधार पैन से लिंक नहीं करवाया है तो आप जल्दी ही करवा लीजिए, अदरवाइज आपको 30 जून के बाद 500 रुपये और उसके बाद 1 जुलाई के बाद 1000 का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कोविड की। जी हाँ, बड़ी ही भयानक यह बीमारी थी, अभी भी फिलहाल गई नहीं है। बहुत सारे मरीज जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं लेकिन इंदौर में नहीं, बाहर।
देखिए भारत में कोरोना की चौथी लहर की आशंका जो है वो बनी हुई है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से अवृद्धि देखी जा रही है। कौन कौन से राज्य हैं वो आप सुन लीजिए, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली। यहाँ पर केसेस जो हैं वो लगातार निकलते आ रहे हैं और संख्या जो है वो धीरे धीरे अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही 5 राज्यों को एहतियातन उपाय करने के लिए पत्र भी लिख चुकी है और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार अलर्ट भी जारी कर चुकी है और यदि लोगों ने मास्क लगाने के नियम का पालन नहीं किया तो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां दोबारा लगाना पड़ सकती है। इस बात को भी साफ कर दिया उन्होंने और सबको अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं और सबको जो कोविड गाइडलाइंस थी उसका पालन करने के भी निर्देश दिए हैं ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। इसलिए आप मास्क लगा कर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखिए। इंदौर में देखिए फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि अभी ट्रेन सब चालू है, फ्लाइट्स सब चालू है। महाराष्ट्र से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इंदौर भी आते हैं और बाकी सारे राज्य से भी इंदौर में, मध्य प्रदेश में आना जाना लगा रहता है। इस वजह से पिछली बार भी ऐसे ही कोविड फैला हुआ था, इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, मास्क हो सके तो लगाकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पूर्ण रूप से ध्यान रखें और बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।